हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूं, तो सभी ध्यान से सुनिएगा और सारी डिटेल्स को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा क्या चीज़ें हैं। BHU का काउंसलिंग पोर्टल स्टार्ट हो चुका है UG के लिए, यानी कि B और BSc के जितने भी कोर्सेस हैं सभी के लिए काउंसलिंग आज से हो रही है। जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन किए हो उनका रिजल्ट पब्लिश होगा आज 6:30 के बाद, तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा इसमें और देखते हैं सारी चीज़ें एक एक करके कि क्या होगा नहीं होगा और कितनी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं BHU की वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट पे आओगे तो कुछ आपको ये इस तरह की चीज़ें दिखेंगी। ये BHUonline.in है, यहाँ पे आप जानते हो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपका एक स्टूडेंट पोर्टल लॉन्च हुआ होगा, यानी कि आपका एक आईडी और पासवर्ड होगा। उस आईडी पासवर्ड को आपको कुछ नहीं लॉगिन करके चेक करना है स्टूडेंट पोर्टल पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट पोर्टल छोटा सा, BHUonline.in पे ये मिलेगा, BHUAC.in पे मत जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, तो ये स्टूडेंट पोर्टल पे आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है ऑलरेडी, तो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके सारा कुछ। ध्यान से समझना सभी लोग, स्टेप वन क्या था, तो सारे ही कैंडिडेट्स को क्या करना था, पहले रजिस्ट्रेशन करना था BHUonline.in पे और अपना प्रेफरेंस कोर्स का जो प्रेफरेंस लिस्ट था वो फिल करना था कि आप किस किस कोर्सेज में, मतलब आप ऑलरेडी मैंने प्रेफरेंस किस तरह से भरना है ये बता चुकी हूँ, सारी डिटेल्स आपको BHU मतलब इस हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो उसको। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरना था, किस किस कोर्सेज के क्या कम्बिनेशन है, ये सब मैं ऑलरेडी लेकर आ चुकी हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा वीडियो अगर आपको नहीं पता है तो। वैसे अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो स्टेप वन ये था, आप सभी ने उसको कर लिया है। अब स्टेप टू है कि अगर आप सिलेक्टेड हो, अगर आपका मार्क्स उसके अकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपका 12th में मार्क्स अच्छा है, अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो तो रिजल्ट जो है वो पब्लिश किया जाएगा 6:30 के बाद, जिसमें डिक्लेयर किया जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं उनको सेलेक्ट किया गया है। अपना ईमेल चेक करना है क्योंकि आपका रिजल्ट आपके मेल पे आएगा, तो वहाँ पे ज़रूर देखिएगा, अपना मेल चेक करते रहिएगा आफ्टर 6:30। एंड दूसरा काम आपको करना है कि स्टूडेंट पोर्टल देखते रहना है लॉगिन करके वहाँ पे कि क्या चीज़ें आ रही हैं। तो उसके बाद जब आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पे चेक करोगे, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक देयर पोर्टल एवरी डे, हिंदी वाले घबराएंगे नहीं, ये जो है ये हिंदी में भी है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं हिंदी में भी लेकर आऊँगी, बट आप समझ जाओ, समझा रही हूँ चीज़ों को तो आप इजली समझ जाओगे कि क्या होने वाला है। तो वहाँ पे आपको दिखेगा ऑफर ऑफ एडमिशन, जब आप अपने पोर्टल पे यानी कि स्टूडेंट पोर्टल जो मैंने आपको बताया वहाँ पे जब आप लॉगिन करोगे तो आपको दिखेगा ऑफर ऑफ एडमिशन, ठीक है। जितने लोग सिलेक्टेड होंगे ये सिर्फ उन्हीं को दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा ऑफर ऑफ एडमिशन, जब आप एक्सेप्ट करोगे उसको, एक्सेप्ट करना है तो ओपन करना है, एक्सेप्ट करना है, जब उसे एक्सेप्ट करोगे तो आपको कितना फी पे करना है, तो 2500 रुपये फी पे करने हैं रेगुलर स्टूडेंट को जो जनरल स्टूडेंट हैं, एंड प्लस जो ST and SC हैं उनको 500 रुपये पे करना है। तो आप उस समय जब पे कर दोगे तभी आपका कोर्स सेलेक्ट होगा, जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक आपका कोर्स सेलेक्ट नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, 2500 रुपये वहाँ पे जो बटन दिया होगा उसको क्लिक करोगे तो वो पे करने के लिए अपने आप ऑप्शन आएगा, आप किसी भी तरीके से उस पर पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आप UPI से कर सकते हो, फ़ोनपे से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो सिलेक्शन बटन, और मान लो आपने आज पोर्टल चेक नहीं किया, ठीक है, और कल आपने किया और कल आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। आपको जैसे ही आपके पोर्टल पे ऑफर ऑफ एडमिशन आ जाए और आप पेमेंट नहीं करते हो 24 घंटे के अंदर, तो आपका एडमिशन रद्द हो जाता है। मैं डरा नहीं रही हूँ, रियल बात बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको नेक्स्ट डे एडमिशन ऑफर का पेमेंट कर देना है, तभी आपका क्या होगा, एडमिशन जो है वो लॉक किया जाएगा, यानी कि आप मान लिया जाएगा कि हाँ आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो, आपका एडमिशन हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। तो पहला तो ये हो गया कि 2500 रुपये आपको पे करना है, कब करना है, तो कल होके, मतलब मान लो आज चेक किया तो कल होके शाम तक 6 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है।
तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। इसके बाद जो स्टेप है उसमें आपका आएगा वेरिफिकेशन, यानी कि कोर्स जो आपने डाला है उसके लिए वेरिफिकेशन आएगा। तो अगर आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल माने गए हो, तो इसमें आपका आएगा वेरीफाइड एंड एलिजिबल। आप अपना सारा कुछ डाल दोगे, जितना भी आपके पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, आपने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वो सारा चेक होता है। और चेक होने के बाद अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आपके पोर्टल पे दिखाता है वेरीफाइड एंड एलिजिबल, और अगर आप सिलेक्टेड नहीं हो तो आपके पोर्टल पे दिखेगा नॉट एलिजिबल, एडमिशन ऑफर विदड्रॉन। ठीक है, आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर पेमेंट नहीं किया है। तो पेमेंट कर दोगे तो एलिजिबल दिखाएगा, वेरीफाइड दिखाएगा। अगर पेमेंट नहीं करते हो तो वो दिखाएगा नॉट एलिजिबल, एडमिशन ऑफर विदड्रॉन, और उस केस में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा BHU में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें थी, इफ दे फेल टू डू सो एडमिशन ऑफर विल बी विदड्रॉन। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपका एडमिशन ऑफर क्या होगा, विदड्रॉ हो जाएगा और वो किसी और को चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, चेक करते रहना है रेगुलरली, डेली इसके बाद चेक करो। और डेट्स भी मैं बता दे रही हूँ, तो उन डेट्स को ध्यान रखोगे। अभी इसके बाद डेट्स ही बताऊंगी मैं, किस किस डेट को आपको ध्यान रखना है। कैंडिडेट्स हु हैज पेड कमिटेड फी वो वेरीफाइड एंड फाउंड एलिजिबल दिखाएगा। उसके बाद आपके पास जो कोर्स आपको अलॉट होगा उसके लिए मेल जाएगा। ठीक है, उस मेल पे एक क्लिक बटन होगा कि लॉक करना है या अपग्रेड करना है। अगर आपको वो कोर्स पसंद है, मान लो आपने बहुत सारा प्रेफरेंस भरा है, अगर वो कोर्स आपको पसंद है तो उस केस में आप क्या करोगे, लॉक करोगे। और अगर मान लो वो आपको पसंद नहीं है तो उस केस में आप उसे अपग्रेड करोगे। ठीक है, अपग्रेड पे डाल दोगे ताकि अगला जो अपग्रेड हो गया आपको उससे बेटर कोर्स मिल सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा अपग्रेडेशन के लिए, यानी कि अपने आप ही वो अपग्रेड हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स मिल गए हैं, आपके पसंद का कोर्स मिल गया है, तो लॉक करना ना भूलें, ये ध्यान रखोगे। तो ये आप यहाँ पे लॉक कर दोगे। लॉक करने के बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा कि एक एडमिशन लेटर जनरेट होगा। जैसे ही आप लॉक करोगे तो आपका एक एडमिशन लेटर जनरेट हो जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको वो डाउनलोड हो जाएगा। और वो लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, इसके बाद जो रेस्ट अमाउंट होगा ये 2500 जस्ट कोर्स को अवेल करने के लिए पे करना है। ऐसा नहीं है कि कोर्स की फ़ी इतनी है, सारे कोर्सेज़ की अलग अलग फ़ी होती है। BA के लिए अलग है, BSc के जितने भी कोर्सेज हैं सबके लिए अलग अलग है। तो जो कोर्स आप लॉक करोगे उस कोर्स की जो फ़ी होगी उसमें से 2500 काट के और बाकी जो रेस्ट अमाउंट होगा वो आपको पे करना है। तो जब वो आप पे कर दोगे, ठीक है, तो अगला जो स्टेप है वही है कि आप उसको पे कर दोगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा, नीड टू नाउ फिल द प्रेफरेंस फॉर सब्सिडियरी कम्बिनेशन। पहले क्या होता था कि आपको बाद में ये ऑप्शन था, जब मैंने एडमिशन लिया था तो हमसे सब्सिडी जो सब्जेक्ट था वो कॉलेज में जाने के बाद फिल किया गया था, उसके लिए अलग से फॉर्म आती थी। लेकिन अभी आपसे इसी समय इसको फिल करा लिया जाता है। अब ये पूछो उसकी सब्सिडियरी सब्जेक्ट क्या होता है, सारी डिटेल्स मैं एक एक करके बता रही हूँ, तो काइंडली ध्यान से सुनना और समझना, और पहले समझ लो तभी गड़बड़ नहीं होती है। बिना समझे ही हम कर देते हैं, गड़बड़ हो जाता है और फिर पूरा हम फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई रोना धोना नहीं, चीज़ों को एक एक करके समझो। तो ये क्या है सब्सिडियरी सब्जेक्ट, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट ग्रुप होगा उसके अलावा आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है, उसी को हम बोलते हैं सब्सिडियरी सब्जेक्ट। और ये BHU में अलग से होता है, तो आप वो चूज करोगे, कोई भी एक चूज कर सकते हो, और वो आपको भर देना है। उसके बाद आपको कहाँ रिपोर्ट करना है, तो आपके फैकल्टी में, मान लो आपका साइंस है, आर्ट्स है, जो भी सब्जेक्ट है उस फैकल्टी में आपको वो लेटर, यानी कि कौन सा लेटर, एडमिशन लेटर लेके वहाँ पे पहुँच जाना है। जो जनरेट हुआ है उसको आप डाउनलोड करोगे, प्रिंट आउट निकालोगे और लेके कहाँ पहुँच जाओगे, अपने डिपार्टमेंट में। और वहाँ पे ऑफिस में जब आप जाओगे तो आपको सारी जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो एक्चुअली सारे वहाँ पे सबमिट करने होंगे। मैंने पहले ही कहा था कि 2-4 कॉपी करा के रख लेना, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका कोई भी डोमिसाइल, ये सारी चीज़ों का आप एक एक कॉपी करा के रख लोगे और वो ले जाके सबमिट करोगे अपने फैकल्टी में जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पे। और सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप दिखाओगे, ओरिजिनल वहाँ जमा नहीं होता है, सिर्फ फोटोकॉपी जमा होगा। ओरिजिनल सिर्फ वो चेक करते हैं, चेक करके आपको वापस कर देंगे। तो ये सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 4-5 फोटो अपनी लेके जाना,
ताकि वहाँ पे आपका आई कार्ड और बाकी चीज़ों में वो इस्तेमाल करेंगे इसका, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको वहाँ पे मेल पे या डिपार्टमेंट में ही बताया जाएगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मैं बता दूँ, क्लासेस जो हैं वो 15 अगस्त के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है, यहाँ पे अगर देखो तो विच विल स्टार्ट आफ्टर 15 अगस्त, 15 अगस्त के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी प्रोबेबली, बट हो सकता है कि डेट्स आगे भी बढ़े क्योंकि मॉपअप राउंड चलता रहता है और उस मॉपअप राउंड में थोड़ा टाइम लग जाता है एडमिशन प्रोसेस करते करते। तो आपका क्लास हो सकता है कि अक्टूबर से स्टार्ट हो, 1-2 अक्टूबर से, तो ये ध्यान रखना है, सॉरी सितंबर से। PWBD सबसे पहले इनके लिए ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा, और वो कब से होगा तो 3 और 4 तारीख को, तो आप लोग चेक करते रहिएगा। जो रेगुलर काउंसलिंग है उसके लिए मैं डेट बता दूँ आपको, वो है 5, 7, 6 को नहीं है, ध्यान रखना, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इंडिपेंडेंस डे है, ऑब्वियसली उस दिन नहीं होगा कुछ भी। उसके बाद 16, इसके बाद जितनी भी वैकेंसी बच जाएगी, यानी कि रेगुलर कब से कब तक हो रहा है, तो आपका 5 से लेकर 14 के बीच में जितने भी जनरल वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि रेगुलर स्टूडेंट हैं, प्लस जो बाकी भी कैटेगरी वाले हैं, सभी जो जनरल में आते हैं बेसिकली, मतलब जनरल कोर्स वाले, वो सभी का काउंसलिंग होगा कब से कब तक, 5 से लेकर 14 के बीच में, तो ये ध्यान रखिएगा। ये डेट्स के बीच आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, पेमेंट रेडी रखना है, और पेमेंट करके अपना कोर्स जो है वो क्या करना है, लॉक कर लेना है। अब इसके बाद जो सीट्स बच जाती है, मान लो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पेमेंट नहीं कर पाए, जिनको पता नहीं चला, जो अवेयर नहीं है, छूट गए, तो बहुत सारी सीट्स बच जाएंगी, तो उन वैकेंसी को भरने के लिए 16 तारीख